हेलो बच्चों, मैं राकेश मित्रा। आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का कंसेप्ट भी इस्तेमाल होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक वाटर सैंप के बारे में बताया गया है और आपको क्या करना है, ये शुरू की 3-4 लाइन्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर वाटर सम्प की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वाटर सम्प है। वाटर सम्प क्या है? एक क्यूबाइडल टैंक है। ये टैंक ऊपर से कवर्ड होता है, लेकिन यहाँ आपको फिगर को समझाने के लिए इसका टॉप नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर ये इसका टॉप दिखा देता तो फिर आपको अंदर वाला पोर्शन समझ ही नहीं आता कि क्या है। तो ये एक वाटर सम्प है। ये कैसा सम्प है? क्यूबाइडल टैंक है। हमें इस क्यूबाइडल टैंक का वॉल्यूम वी ऑफ एक्स दे रखा है। एक्स क्यूब वी ऑफ एक्स हमको दे रखा है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। सबसे पहला काम, मैं क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है वो सब करने से पहले, मैं इसके फैक्टर्स बनाना पसंद करूंगा। इसके, क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो इसके 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे। एक इसकी लेंथ को, एक इसकी ब्रेथ को, एक इसकी डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगा। फैक्टर्स कैसे बनेंगे? पहली दो टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं। पहली दो टर्म्स में से कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, अंदर बचा एक्स प्लस 1। अगली दो टर्म्स में से भी कॉमन आ रहा है, ये भी एक्स प्लस 1। ये बाई चांस है कि इस तरीके से हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऐसे हमें कॉमन ना दिखाई दे, तो फिर हम एक फैक्टर निकालेंगे फैक्टर थ्योरम से। एक्स को पुट करके, 1 पुट करके, माइनस 1 पुट करके, 2 पुट करके, एक फैक्टर वैसे निकालेंगे और फिर इसको उस फैक्टर से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना करके हम इसके फैक्टर्स, किसी भी तरीके से आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके फैक्टर्स आपको दिखा दिया, एक्स प्लस 1 कॉमन, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये 3 फैक्टर्स बन गए। आप एक नोटबुक के अंदर इनको नोट करके कर लीजिए कि एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 इसके फैक्टर्स हैं। तो इन तीनों में से एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक इसकी डेप्थ है। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ही प्लान्ड इन सच ए वे दैट द बेस डायमेंशंस आर एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। बेस डायमेंशंस का मतलब ये एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। किसी एक को लेंथ ले लेते हैं, किसी एक को ब्रेड्थ ले लेते हैं। किसी एक को लेंथ ले लिया, किसी एक को ब्रेड्थ ले लिया। जो थर्ड डायमेंशन बची वो क्या होगी? उसकी डेप्थ। उतना हमको डिग करना होगा। हमारी थर्ड डायमेंशंस बच रही है एक्स माइनस 2। तो इसका मतलब जो इसकी डेप्थ है वो है एक्स माइनस 2। बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। फिर कहता है कि अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ही सिंपल, वॉल्यूम ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पर 4 पुट कर दो। तो एक्स की जगह 4 पुट किया, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4। हर एक्स के प्लेस पर हम 4 पुट कर रहे हैं। 4 का क्यूब हो गया 64, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 16 माइनस 4, ये कैंसिल। 60 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है, तो क्यूबिक मीटर में आएगा। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गई। चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड, अगर एक्स की वैल्यू 4 है, द बिल्डर वांट्स टू पेंट द एंटायर इनर पोर्शन। एंटायर इनर पोर्शन का मतलब क्या है? चारों दीवारों को, उसकी छत को और उसके बेस को, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को पेंट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहाँ डेप्थ है, तो h के प्लेस पर हम d भी लिख सकते हैं, डेप्थ भी लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं होता कि डेप्थ क्या है या हाइट क्या है, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो 2 इंटू एल इंटू बी, मैं यहाँ h की जगह पर d लिख लेता हूँ, b इंटू डी
प्लस डी इंटू एल, डी रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। अब हमने लेंथ क्या है हमें नहीं पता, लेंथ हमें पता था कि x प्लस टू है, तो पहले हम लेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी, x की वैल्यू हमने 4 दे रखी है, तो x को रखा 4, तो 4 प्लस टू हो गया 6, ये हो गई लेंथ। ब्रेथ x की जगह पर 4 पुट करते हैं तो 4 प्लस 1 5। डेप्थ x की जगह पर 4 पुट किया, 4 माइनस 2 2। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्मूले में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 5 हो गया 30, प्लस ब्रेथ इंटू डेप्थ 5 इंटू 2 हो गया 10, प्लस डेप्थ इंटू लेंथ 2 इंटू 6 हो गया 12। इन तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 40 40 और 12 52, तो ये हो गया 2 इंटू 52 104 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर मीटर में आएगा। हमारी डी ऑप्शन करेक्ट हो गई। तो करते हैं पार्ट फोर की ओर। पार्ट फोर में क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ पेंट इज ₹25 पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, जितना हमारा एरिया है मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट ऑफ पेंट। तो हमने एरिया अभी अभी कैलकुलेट किया 104 मीटर स्क्वायर, तो इस 104 को हम इस कॉस्ट 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 2600 रुपीज़। तो बी ऑप्शन हो गई करेक्ट। मूव करते हैं पार्ट फाइव की तरफ। पार्ट फाइव में क्या कहते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। हमने अभी अभी निकाला पार्ट वन के अंदर कि वॉल्यूम आया था 60 क्यूबिक मीटर, पार्ट टू में निकाला था शायद कि वॉल्यूम आया 60 क्यूबिक मीटर, लेकिन हमको आंसर निकालना है लीटर में। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 60 क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना है लीटर्स में। एक क्यूबिक मीटर होते हैं 1000 लीटर, तो 60 क्यूबिक मीटर हो जाएगा 60,000 liters is the capacity of the tank. Thank you for watching the video.